देख सकते हो यहाँ पे पूरा कारगिल बंद है, सारी गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी है। देख सकते हो ये रहा कुछ अपडेट कारगिल का। कारगिल में 4 दिन का स्ट्राइक है और यहाँ पे आप देख सकते हो सारी दुकानें बंद है और कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही है गाड़ियों की। सारी कमर्शियल गाड़ियाँ यहाँ पे बंद है और देखते हैं आगे कब तक रहता है ये स्ट्राइक। आप लोग देख सकते हो पानी बिल्कुल कम है यहाँ पे, देख सकते हो ना के बराबर ही पानी, लेकिन धीरे धीरे पानी हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो एक्चुअली हम जा रहे हैं आज टम्बिस वाटरफॉल में, इस जगह का नाम तो पहले सुना ही होगा आप लोगों ने, तो वहीं पे जा रहे हैं हम लोग। कभी सोचो बाजार में तो लॉकडाउन है, सारी दुकानें भी बंद है, तो घर में बैठ के क्या करना था, इससे अच्छा कुछ। तो अभी हम बस छड़ीवन से निकलने वाले, 11 बजे हम यहाँ से निकलेंगे इंशाल्लाह, 1 घंटे में हम पहुँच जाएंगे। तो निकलते हैं हम यहाँ से, बस यहाँ पर कुछ व्यू रहा ऐसा। तो बस हम यहाँ से निकलते हैं अभी 11 बजे हम यहाँ से निकलते हैं इंशाल्लाह, हम 1 घंटे तक टम्बिस वाटरफॉल में पहुँच जाएंगे। तो निकलते हैं धीरे धीरे। तो फिलहाल पहुँचे हम हर 10 वैली में पहुँचे, तो हमें और लगेगा कम से कम बहुत सारा टाइम। एग्जीबिशन देखने के लिए थे, तो एग्जीबिशन फिलहाल आज लॉकडाउन की वजह से बंद है, तो अभी हम बस निकलते हैं यहाँ से। ये रहा कुछ लुक यहाँ का, यहाँ का सुबह का। तो यहाँ का व्यू देख सकते हैं, पूरा सुनसान है, पूरा मार्केट। ये पहुँच चुके हैं हम एमजी बाजार में, फाइनली हम टम्बिस पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हो कन्नूर टम्बिस, हमें इस वाले रूट से जाना है, तो कम से कम आधा घंटे के बाद हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे। तो काफ़ी थकावट फील हो रही है। तो फाइनली यहाँ से हम जा रहे हैं, देखो ये रहा टम्बिस, काफ़ी सर्दी भी है यार। तो यहाँ से अभी और एक फ्रेंड आ रहा है हमारा टम्बिस से, तो भी साथ में लेके जाएंगे, लेकिन रास्ता हमें पता नहीं है। तुझे रास्ता पता है? अच्छा, छुरुन लिखा है ना, वहाँ से जाना है ना। हाँ अच्छा, तो मुझे पता है। यहाँ से देख सकते हो ब्यूटी ऑफ टम्बिस। हाँ फोन नंबर डाला, रुपये 50 दिन ला नहीं होता, अमीर है हम देखो।
चलिए, यहाँ पे एक फ्रेंड आने वाला था हमारा, वो आ ही नहीं रहा है। 10 मिनट से वेट कर रहे हैं हम, आधे घंटे में टाइम भी तो पहुँच चुके थे, लेकिन हमें यहाँ पीछे वाले रास्ते से जाना है। ये दिख रहा है पीछे वाला रास्ता, वहाँ से जाना है, लेकिन हमारे फ्रेंड अभी तक पहुँच ही नहीं है। तो वेट करेंगे और 5-10 मिनट, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। तो हमारा फ्रेंड आया ही नहीं, तो हम निकलते हैं यहाँ से। टाइम जहाँ करके कोई फ़ायदा नहीं है, गाड़ी लेके आते तो हम यहीं पे फंस जाते हैं। मेरी बाइक का साउंड काफ़ी लाउड है, इसीलिए सब घूर के देखते हैं। यहाँ से कितना किलोमीटर होगा? ये क्या बंदे है यार, पता नहीं यार कहाँ से बकचोदी बंदे लेके आते हैं यार। कहाँ पूछा है, देखो ना क्या करेंगे यार, रास्ता ही खत्म है। यहाँ से कहाँ जाना है? वापस जाना। क्या वापस आ रहा? मैंने पहले बोला तुझे, कुछ पता ही नहीं, ऐसे ही ज्ञान छोड़ता है। चाय जी सुनो, ये वाला गजब बेस्ती। खैर वो एंजॉय में था बाइक। यहाँ पे रोड खत्म होता है तो हम यहीं पे बाइक रख के जाएंगे, यहीं पे पार्किंग पे लगाएंगे बाइक। यहाँ से जाएंगे हम चल के, हेला हेलमेट भी रख के जाएंगे यहीं पे शायद। हाँ हेलमेट ये भी होंगे। हाँ तिजोरी खोला है सर फराज भाई ने, तिजोरी मेरी क्या क्या लाया पता नहीं, बाहर क्या लाया, तिजोरी पूरी। काफी गर्मी लग रही थी तो जैकेट वैकेट सब निकाल लिया हमने। रोड देख सकते हो कितनी खराब है। व्यू देख सकते हो कितना प्यारा व्यू है यहाँ का। चलो और आधा घंटा चलना होगा हमें, आधा घंटा चलने के बाद ही हम अपनी मंजिल में पहुँचेंगे। बड़े दिनों के बाद इतना चला हूँ मैं, तो डर भी लगने लगा यार, दूर दूर का कोई नहीं है। भी मंजिल दूर है हमारी। व्यूअर्स, हम यहाँ पे एक शूट करने वाले इस ब्रिज के ऊपर, और इसके बाद हमारा पार्टनर तो अभी आया ही नहीं, दूर दूर तक दिख ही नहीं रहा है। बाल भी कटवाने पड़ेंगे, बड़े हो गए काफी। वो सरफराज, सरफराज हो बंदा आ ही नहीं रहा, इसको लेने के लिए वापस जाना पड़ेगा, कहीं भेड़ियों ने मत खाया इसको। मतलब कहाँ यार, दिख ही नहीं गए, तो शायद वापस चला गया है, लापता है बंदा, अकेले छोड़ के भाग गए शायद। तो यहाँ पे जब भी घूमने आते हो तो यहाँ पे देखा मैंने बहुत कचरा फैलाया हुआ है, तो जो जो लेके आते हो उसका कचरा वापस लेके जाओ। बताओ ऐसी जगह पर कौन आना नहीं पसंद करेगा। फाइनली एक घंटा चलने के बाद हमें वाटरफॉल दिख रहा है, यहाँ से देख सकते हो वहाँ पे। हाँ फाइनली पहुँच गए हम, करके दिखाया हमने। हाँ और चल नहीं पा रहे हम इससे। हाँ चार पहाड़ पार करके आए हम लोग। तो
एक घंटा चले हम, एक घंटे के बाद हम पहुंच चुके हैं वाटरफॉल। देख सकते हो सांस फूल रही है मेरी। फाइनली हम पहुंच गए वाटरफॉल में। चलना भी अच्छा होता है सेहत के लिए। पहुंच गए वाटरफॉल, देख सकते हो मेरे पीछे। एक घंटे चलने के बाद हम पहुंचे वाटरफॉल। तो आपके लिए इतना सारा मेहनत कर रहा हूँ यार, वीडियो को लाइक एक तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना चाहते हो गलत। Finally guys, we are reached at waterfall. Look the beauty of nature. तो हमारी बदनसीबी तो देखो आप, हम आज वाटरफॉल में फर्स्ट टाइम आए और आज ही पानी को सूखना था, तो क्या कर सकते हैं हम, किस्मत ही फूटी हुई है। हमारे भाई अभी पहुंच रहे, देखो कितने लेजी बंदे, एक घंटे के बाद पहुंच रहे यहाँ पे। हाँ पता नहीं यार, हम वाटरफॉल पहुंच चुके, देख सकते हो हमारी क्या नौ पहुँचने के बाद हम इसके अंदर घुसने वाले थे, लेकिन क्या करें, पानी बिल्कुल नहीं, तो फाइनली पहुंच चुके। व्यू कैसा आ रहा है कमेंट में जरूर बताना गाइस। तो देख सकते हो काफी इतना प्यारा व्यू है यहाँ पे। पानी बढ़ चुका है यहाँ पे। तो मेरे पीछे व्यू देख सकते हो कितना प्यारा व्यू है, बैग भी हमने पीछे बांधा है। तो अंदर जाना चाहते हैं लेकिन पानी बिल्कुल कम है, आप लोग देख सकते हो पानी बिल्कुल कम है यहाँ पे, देख सकते हो ना के बराबर ही पानी, लेकिन धीरे धीरे पानी बढ़ रहा है यहाँ पे, आप देख रहे हो। तो हमारे हिसाब से लेजी बंदे ये है, देख सकते हो आधा घंटे मुझे ये बंदा झूठ, पहले मैं पहुंचाऊंगा खुद लेट। आप लोग देख सकते हो वीडियो में रिकॉर्डिंग है, प्रूफ भी है, लेकिन कुछ बोलना चाहेंगे आपको यहाँ पे आके कैसा लगा? अब मैं क्या बोलूँ, बहुत ही अच्छी लोकेशन है यहाँ पे, आप सब लोग काट सकते हो। बाकी इस साल बहुत ही ज़्यादा पानी कम हो चुका है यहाँ का, तो फिर भी आप लोग काट सकते हो, बहुत ही मज़ा आता है। बाकी अपने इरफान भाई को सपोर्ट करो, और क्या बोलूँ, सपोर्ट तो करते हैं ये लोग, अच्छे भी वर्क है यार। रोटेट तो देख सकते हो, फाइनली हम भीग गए हैं यहाँ पे, काफी ठंडा पानी है यहाँ पे। चाय भीग चुके हम, देख सकते हो इसके अंदर घुसे थे हम, पूरा भीग चुके हम। फाइनली यहाँ पे और कुछ बंदे आ चुके हैं हमारे साथ, देख सकते हो वो लोग यहाँ पे अभी जस्ट पहुँचे। हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अब चलते हैं वापस, एक घंटा हमें और चलना है, उसके बाद मैं लंच करना, लंच तो थोड़ा लेके आया हमने, वहीं खाएंगे, उसके बाद देखेंगे। ओह
काफ़ी थकावट महसूस हो रही, सर्दी भी लग रही यार, पूरे पानी के बीच में गए थे हमें। तो हमारा अभी लंच हो रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे पहाड़ों में एक ही चीज़ खानी होती है, वो होती है मैगी। अभी हम मैगी बनाएंगे इंशाल्लाह, फिर खाएंगे। ये रहा कुछ यहाँ पे ऐसा। तो हमारे बाइक को बहुत भूख लगी हुई है, खाएंगे अच्छे से। हमारा सारा खाना हो चुका है, खाना खाने के बाद सारे भी वे चीज़ें होते हैं वो बाहर नहीं फेंकनी होती, तो हमने बैग में लगाना इसको जब भी आओगे कहीं घूमने जाओगे तो, क्योंकि नेचर को बचाना है हमें। अभी हम बस निकलते हैं यहाँ से। फाइनली फिर से बाजार पहुँच चुके, हम देख सकते हैं यहाँ पे काफी मशक्कत के साथ। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारी वीडियो को लाइक करना। इंशाल्लाह ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। तो देख सकते हो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं हम आप लोगों के लिए, तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, हम भी आपको अच्छे अच्छे व्यूज और वीडियोज लाते रहेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग पे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।